और राजस्थान में सरकार जननी सुरक्षा योजना का ढिंढोरा पीट रही है, लेकिन पाली के बांगड़ अस्पताल में इस योजना की पोल खुल रही है, जहां 400 बिस्तर वाले अस्पताल में एक भी गायनेकोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं है। ये है बांगड़ अस्पताल, इसमें मरीजों के लिए 400 बिस्तर हैं। प्रदेश के दूसरे अस्पतालों की तरह यहाँ भी जननी सुरक्षा योजना के तहत महिलाओं को सुविधाएं दी जानी चाहिए। इस अस्पताल में लोगों की भीड़ भी लगती है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इस अस्पताल में प्रसव कराने के लिए एक भी महिला विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं और जो अवेलेबल मेरे पास मेन पावर है, उसके अनुसार जो बेस्ट पॉसिबल है वो सेवा देने का मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। ये बात तो मैं कहता हूँ कि 100% परफेक्शन से तो नहीं आ सकती। दरअसल इस अस्पताल में 60 डॉक्टरों की तैनाती होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल 28 डॉक्टरों से ही काम चलाया जा रहा है। महिला वार्ड का आलम यह है कि 6 महीने पहले इसमें महिला चिकित्सक थी, लेकिन उनका भी तबादला हो गया। फिलहाल एक सेवानिवृत्त महिला चिकित्सक 2 घंटे की निःशुल्क सेवा दे रही हैं और उन्हीं के सहारे काम चल रहा है। मेरी ओर से, चिकित्सालय प्रशासन की ओर से और जिला प्रशासन की ओर से पूरे प्रयास है कि ये स्थिति जो है इससे हम उबर सके। वास्तव में स्थिति विकट है, पर जो भी इसमें सपोर्ट हमें मिलना है वो जयपुर से ही मिलना। मैंने भी जो है सबसे भी बात की है। इस अस्पताल में प्रसव के लिए जो महिलाएं आती हैं, उनकी देखरेख नर्सिंग स्टाफ के जिम्मे है। अगर किसी की हालत बिगड़ती है तो उसे जोधपुर रेफर कर दिया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जननी सुरक्षा योजना को कहां रेफर किया जाए ताकि व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएं। सुभाष रोहिशवाल, सहारा न्यूज ब्यूरो, पाली।